अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो एट डिस्कवर पाकिस्तान। हस्ती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सलमान खान और मैं हूँ नजफ राजा। उम्मीद है, दुआ है, जहाँ कहीं पे भी हों खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हों। सुबह का आगाज हो चुका है और हम आपके सामने मौजूद हैं आपकी सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए। और हमारी कोशिश रहती है कि सुबह के आगाज में आपके साथ शेयर की जाए एक खूबसूरत बात। तो बताइए सलमान, आज की कौन सी अच्छी बात आप शेयर करने वाले हैं? तो आज की अच्छी बात यह है कि रिश्ता कोई भी हो उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है इज्जत और यकीन के साथ। तो आप अपने रिश्तों को इज्जत दीजिए और यकीन रखिए। बिल्कुल सलमान, और हर रिश्ता जो है वो इज्जत मांगता है। जब आप उसको इज्जत देते हैं तो ट्रस्ट भी डेवलप होता है, और जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए इसी अच्छी बात के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या क्या है। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की सैर करवाएंगे अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन में, और उसके बाद मिलवाएंगे आपको दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में होंगे हमारे सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट में। फिर उन्हीं गेस्ट के साथ मिलकर हम पाकिस्तान की उस खूबसूरत जगह को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाएंगे जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई थी अपने सेगमेंट ट्रेंडिंग टुडे में। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक इंस्पिरेशनल वुमन से, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमन में। उसके बाद आपको मुतारिफ करवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ अलग और अनोखा काम किया होगा अपने सेगमेंट थम्स अप में। और थम्स अप के बाद आपको लिए चलेंगे फैशन की दुनिया में, सेगमेंट होगा हमारा फैशन क्रेज, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपके पसंदीदा ब्रांड्स क्या सेल ऑफर कर रहे हैं हमारे सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स में। उसके बाद हेल्थ के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि जान है तो जहान है अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस में, और आपके लिए एक डिजाइन किया है हमने सेगमेंट गॉट टैलेंट जो कि आपको बताएगा कि पाकिस्तान में बेशुमार टैलेंट है, और उस टैलेंट को हम आपसे मुलाकात करवाएंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट में। और आखिर में मैं और नजफ मिलकर एक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और आप लोगों को चैलेंज देंगे, क्योंकि हम अच्छी आदत अपना सकते हैं, बुरी आदत जो है वो छोड़ सकते हैं, और इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो इवॉल्व कर सकता है। तो उसको इवॉल्व करते रहना चाहिए बेहतरी की जानिब, और इसके लिए हमने स्पेशल सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है टुडेज चैलेंज। अब आगे चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, और जो कि सेगमेंट है फैमिली वेकेशन। जी हाँ, इस सेगमेंट में हम आपको सैर करवाते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत से इलाके की, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको ये खूबसूरत इलाका दिखाना नहीं बल्कि साथ ही साथ मोटिवेट करना है, आपको इंस्पायर करना है ताकि आप अपने बैग पैक करें, अपनी फैमिली के साथ जाएं और इन खूबसूरत नज़ारों को खुद जाकर देखें। बिल्कुल सलमान, और आज हम सैर करने के लिए जा रहे हैं मंचर लेक पर। तो आइए सबसे पहले इस पर खूबसूरत सी वीडियो देखते हैं और फिर बातचीत करते हैं। आपने नज़ारा देखा, कितनी खूबसूरत थी ये मंचर लेक। और दिलचस्प बात यह है नजफ, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और एशिया की बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से ये आती है, और इतनी बड़ी ये लेक है जब बारिशों का मौसम होता है तो इसकी जो 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 ये रकबा घेरती है ये डबल हो जाता है, और बहुत बड़ी तादाद में जो बर्ड्स माइग्रेट करके आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, उनका स्टॉप ओवर है, और 8 मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर घास उगती है जो खास तौर पर उनकी अफजाइश के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल सलमान, और जिस रकबे की आपने बात की है तो अपने नाज़रीन को ये भी बता देते हैं, वो 250 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर ये जो झील है वो मुश्तमिल है, और जैसे कि आपने बताया कि बारिशें जब होती हैं, बारिशों के पानी की वजह से वो रकबा ज़्यादा हो जाता है, मीठे पानी से ये जो झील है
कई हजार एकड़ जो है ज़मीन को सैराब करती है। वहाँ पे आपको ट्राउट फिश मिलती है। फिर अगर बात की जाए ये जो प्रॉपर है तहजीब है वहाँ के जो लोग हैं अपनी दास्तानों और गीतों में इस लेक का ख़ास तौर पे जिक्र करते हैं। और ये झील जो है सिंध में है जी, सेवन शरीफ से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर ये झील है। सिंध के लोग तो जाते हैं, उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन आप सब लोग भी टाइम निकालें और जाकर देखें। नेचर का इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। और जिस तरह हमने बताया कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में, पहले यहाँ इतनी बड़ी तादाद में माइग्रेटेड बर्ड्स आते थे कि सूरज जो है वो छुप जाता था। आप इसे अंदाज़ा कीजिए कितनी बड़ी तादाद में परिंदे यहाँ आकर उनका स्टॉप ओवर करते थे। अब कुछ हद तक कमी आ रही है, लेकिन फिर से कोशिश हम ये कर रहे हैं कि क्लाइमेट बेहतर हो, इन्वायरमेंट बेहतर हो और लोग जाके आके इसका हुसन जो है सही मानों में देख सकें। जैसा नज़फ़ ने बताया, यहाँ वाकई एक कम्युनिटी रहती है जो कश्तियों पर ही अपना उनका गुजर बसर है और वो मछलियाँ जो हैं उन्हीं से उनका गुजर बसर होता है और वो कश्तियों पर सारा वक्त गुजारते हैं। तो ये पूरी एक आप देखती है हिस्ट्री भी है यहाँ। सही सही। चलें, अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे दो अमेजिंग गेस्ट। जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ भी और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ भी और टूरिज्म के हवाले से भी उनसे बातचीत करेंगे। चलें आगे चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक का तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। चला है ये काफला, दिखाएगा पाकिस्तान प्यारा, होगा लाहौर से नाश्ता, बरास्ता इस्लामाबाद, घुमाएगा नारान कागान, गिलगित बल्तिस्तान सारा, भोजन बनेगी कराची की हलीम और निहारी, वाह सिंधी कल्चर तेरी तो बात है निराली, होगी बलोची सज्जी और रोश से मेजबानी, करेंगे गवादर की सैर, सुनाएंगे बलोच की तारीखी कहानी, खैबर पख्तूनख्वा है जरा संभल के भाई, जिसके चरसी तिक्के और दुम्बा कड़ाही ने पूरी दुनिया पे है धाक बिठाई, सकाफत और रिवायात में बेमिसाल है हमारे पठान भाई, क्या वक्त के बदलाव से उनके रस्म और रिवाज में कोई तब्दीली आई, खोजेंगे हम देखेंगे आप, ये है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। ये बाइक ये हसीन रास्ते और अनजान सफर, मेरा पैशन, मेरा जुनून, द वर्ल्ड नोज मी एज द मोटरसाइकिल गर्ल। Now is the time to take this passion on a new ride. Discovery Ride with Zenith Irfan. Watch Discovery Ride every Tuesday at 10 p.m. only on Discover Pakistan. ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट। तो जी सेगमेंट हमारा मॉर्निंग गेस्ट और इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं
ऐसे खास मेहमानों से जो कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हाई अचीवर्स होते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कुछ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कुछ उनकी ट्रैवल लाइफ के बारे में भी, और हम कोशिश ये भी करते हैं कि हम उनसे सीख सकें किस तरीके से वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज भी हमारे साथ दो बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटीज़ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवा दूँ, मेरी साइड पर जो शख्सियत बैठी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान टेनिस एसोसिएशन है शेख अंजुम ज़फ़र साहब, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और हमारे इस जानिब जो शख्सियत बैठी हैं, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। जनरल सेक्रेटरी पंजाब वुमेन विंग पीटीआई हैं, इसके साथ साथ बहावलपुर चेंबर की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, समाजी काम भी करती हैं, पॉलिटिकल फैमिली से इनका ताल्लुक है, रहीम यार खान से बिलोंग करती हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है निगत महमूद ने, डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही फ्रेश लग रही हैं आप। जी बिल्कुल, इसलिए कि मॉर्निंग टाइम है। क्या बात है। अच्छा फिर मिस निकत, सबसे पहले बताइए अपनी सुबह का आगाज कैसे करती हैं? सुबह मैं नमाज के बाद निकल जाती हूँ वॉक करने, तो वॉक करके वापस आके फिर अपने घर के बाहर टेरेस है, वहाँ पे फ्रेश एयर में बैठती हूँ, फिर मैं दो तीन गिलास पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर मेरा नाश्ता जो होता है वो जौ का दलिया, उसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ, बनाना डालती हूँ, साथ सेब भी होता है, साथ मेरे बॉयल अंडे दो होते हैं देसी, मेरा ब्रेकफास्ट है काफ़ी हेल्दी होता है। अरे वाह वाह, और इसीलिए आप बड़ी फ्रेश लग रही हैं आज, पता चल रहा है। अच्छा शेख साहब, आपकी तरफ भी आते हैं, ये तो पॉलिटिशियन है, इनके अपने अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो मैंने देखा है कि बड़े डिसिप्लिन होते हैं, तो आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? देखिए जी, एक तो नमाज के लिए कोशिश पूरी करता हूँ कि उठूँ और नमाज पढ़ूँ, कभी कभी मिस भी हो जाती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद फिर मुझे स्विमिंग का बहुत शौक है, तो मेरे अपने घर में भी स्विमिंग पूल है, तो मेरा ये होता है कि कम से कम मैं एक दिन में स्विमिंग ज़रूर कर लूँ। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, तो वैसे ही मज़ा आ जाता है। और स्विमिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि बचपन से क्योंकि शौक था, और अपने कॉलेज टीम का भी मैं कैप्टन हुआ करता था स्विमिंग टीम का, तो उसके बाद से फिर वो पैशन ऐसा हो गया कि फिर मैंने वो छोड़ा नहीं, और उसके अलावा फिर वॉक एंड जिम, ये दो मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलर चलती हैं, बीच में मिस भी हो जाता है क्योंकि बिजनेस में ट्रैवल करना पड़ता है और फिर वो एक रूटीन टूट जाती है, फिर उस रूटीन को दोबारा बनाने में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन आगाज़ इसी तरह ही होता है नॉर्मली। ज़फ़र साहब, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बरामदी सनद है टेनर्स, चमड़े की अगर हम बात करें, तो इसको, इसके लिए क्या आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और मज़ीद इसको किस तरह, इस इंडस्ट्री को किस तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की सेकेंड हुआ करती थी, लेकिन कुछ अरसे में ये सेकेंड की बजाय थर्ड पोजिशन पर आ गई, इंजीनियरिंग इससे थोड़ी ऊपर चली गई है। इसकी एक्सपोर्ट्स होती थी $1.28 बिलियन की। अच्छा, अब ये इंडस्ट्री को थोड़ा सा मिस परसेप्शन गवर्नमेंट में रहा, और इसमें इन्होंने हमें कुछ चीज़ों से मराद जो दे रहे थे वो विड्रॉ कर ली। मैं अब फिनिश लेदर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेक्टर में पूरी तीन चीज़ें आती हैं, लेदर, फिनिश्ड गारमेंट एंड ग्लव्स, तो उन्होंने फिनिश लेदर के ऊपर कुछ मराद थी जो वापस कर ली, और वो मराद क्या थी, वो लोकल टैक्सेस थे। लोकल टैक्सेस कभी भी एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, आप किसी फॉरेन कस्टमर को नहीं कह सकते कि ये मेरे लोकल टैक्सेस हैं, ये आप अपनी प्राइस में ऐड करो, वो ऐड नहीं करेगा, वो तो कहेगा कि मुझे तो आप अपनी FOB प्राइस दो, कंपेरेटिव प्राइस चाहिए। अच्छा, अब वो जब लोकल टैक्सेस आप ऐड करके देंगे तो नेचुरली इंडिया में नहीं हो रहा, बांग्लादेश में नहीं हो रहा, वियतनाम में नहीं हो रहा, चाइना में नहीं हो रहा, तो आपको क्यों वो प्राइस ज़्यादा देगा? उसकी वजह से 2017-18 के बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि 2017 में ही इसको विड्रॉ किया गया था। वो मैं जो लोकल टैक्सेस की बात कर रहा हूँ वो हैं DLTL, इसकी एक टर्म होती है ड्यूटीज, लेवीज एंड लोकल टैक्सेस, ये 5% हमें मिलता था, वो विड्रॉ हो गया। अच्छा, अब उस गवर्नमेंट जब ये विड्रॉ हुआ तो हमने फिर गवर्नमेंट से टेकअप शुरू किया, मैं तो चेयरमैन बना हूँ इस साल, तो चेयरमैन बनने के बाद मैंने वो नेचुरली हायर लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बातचीत शुरू की, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रही थी, हम 1.2 बिलियन से ड्रॉप होके आ गए 750 मिलियन पे, विच इज़ ए ड्रॉप ऑफ 44%, लेकिन उसमें जो फिनिश लेदर का सेक्टर था वो 70% ड्रॉप हो गया, उसको वर्स्ट हिट आ गई। अच्छा, अब कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो ये समझते हैं कि शायद ये रॉ लेदर है और अगर इसकी गारमेंट बन जाएगी तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। गारमेंट जो बनती है वो बनती है शीप स्किन से। पाकिस्तान में चार किस्म के लेदर्स हैं, शीप, गोट, काओ, बफलो, जो
गारमेंट बनती है क्योंकि वो सॉफ्ट लेदर से बनती है, वो सिर्फ शीप से बनती है और उसके लिए जो रॉ मटेरियल वो 80% इम्पोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में, उसका पाकिस्तान में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। तो जो मेजर मटेरियल हैं वो हैं बाकी तीन जो मैंने कहा, उसका आउटलेट है ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड बेल्ट्स, वॉलेट्स, वो पाकिस्तान में नहीं बनते। अब क्या सूरत हाल है, वो जब विड्रॉ किया गया उन्होंने ये समझा कि शायद इसके विड्रॉ करने से बाकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी गारमेंट की, लेकिन मैंने उनको प्रूफ किया कि पिछले 4 सालों में वो एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी और ये एक्सपोर्ट भी गिर गई, तो ओवरऑल सेक्टर ड्रॉप कर गया। तो इसके बाद फिर रज़ाक दाऊद साहब ने, जो कॉमर्स मिनिस्टर हमारे हैं, उन्होंने इस पर बहुत पर्सनल इंटरेस्ट लिया और प्राइम मिनिस्टर लेवल तक भी ये बात गई और उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि क्या इसमें मसाइल हैं जो कि 2 या 3 हम आपके हल कर दें तो आप इंडस्ट्री को वापस इसको डिक्लाइन रोक सकते हो। उस पर इनसे काफ़ी सेशंस हुए, उस सेशंस के बाद उन्होंने एश्योरेंस दी 2-3 चीज़ों की मुझे, और अब बेहतरी आई है। और बेहतरी आई, कोविड ने भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया होगा बिलाशुबा। कोविड जो है ये देखें 2 साल से आया, हमारी जो एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो रही हैं पिछले 4-5 सालों से हो रही है, तो सिर्फ कोविड को इसमें हम नहीं कह सकते कि इसकी वजह है, लेकिन इस तरह शजर से उम्मीदें बाहर रख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरी आ रही। नहीं बिल्कुल रख सकते हैं। मजीद कितना पोटेंशियल है ये भी प्रिसाइजली बताइए। देखिए इसमें एक तो पहली बात यह है कि हमें जो ड्रॉप हो रहा था वो रोकना है, वो रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो अब मजीद ड्रॉप नहीं हो रहा बल्कि पिछले 3-4 महीनों से एक्सपोर्ट्स फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी अश्योरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपको लोकल टैक्सेस रिफंड होंगे वापस, उसकी पॉलिसी आने वाली है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि ये एक पोल्यूटेड इंडस्ट्री गिनी जाती है, लेदर इंडस्ट्री को कहते हैं पानी बहुत गंदा करते हैं ये लोग, तो वो पोल्यूशन को एक्सपोर्ट में जब आप जाते हैं कस्टमर के पास वो कहता है आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं है और आपने केमिकल्स कौन से लगाए हैं जो उसमें हजार्डस तो नहीं है कि मुझे कोई जूता पहनने में कोई खुजली तो नहीं होगी, नुकसान तो नहीं होगा, कोई बीमारी तो नहीं आएगी। वो अब उन्होंने लॉ बना दिया है कि आप इसको सारे केमिकल्स को टेस्ट करवाएं जो लेदर में है, अगर वो टेस्ट में पास होते हैं तो हम शिपमेंट लेंगे वरना हम नहीं लेंगे। उसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हैवी और वो बाहर टेस्ट होते हैं पाकिस्तान में नहीं होते। हमें गवर्नमेंट ने इस दफ़ा EDF फंड से, EDF होता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो कि हमारे एक्सपोर्ट से काटा जाता है, उन्होंने 75% उसमें हर टेस्ट की कॉस्ट हमें रिइंबर्स करने के लिए अप्रूव कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फ्रॉम आवर साइड एंड गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और एग्जैक्टली मिल के इसी तरीके से पाकिस्तान को आगे लेके जाए, ये चीज़ें जब हो रही हैं तो फिर नेचुरली उससे असर आएगा एक्सपोर्ट। ऐसे ही अच्छा मैम, आप क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी कोशिश है और अब ये बेहतरी होती हुई दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप खुद वाइस प्रेसिडेंट हैं बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो क्या क्या इकदाम जो है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर किए जा रहे हैं कि वो भी आएँ इस साइट के ऊपर और बिज़नेस के अंदर जो है कदम ब कदम शाना ब शाना मर्दों की तरह। हमने ख़वातीन को अख़वत बैंक से लोन लेके दिए हैं और वो क्या करती हैं कि वो ये बकरियों को पालती हैं, फिर उन्हें सेल करती हैं, फिर सिलाई कढ़ाई करती हैं, फिर वो अपनी एम्ब्रॉयडरी जो है उसको फिर वो सेल करती हैं। उससे ये है कि हमारी उस साइड पर ना बहावलपुर रहीम यार खान में भी मैंने ये काम शुरू किया हुआ है कि काफ़ी सारी लेडीज़ जो है ना उनका ये काम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी होता जा रहा है और लोग पसंद भी करते हैं और वहाँ से फिर वो फरमाइश करते हैं जी हमें उस साइड की ना एम्ब्रॉयडरी चाहिए, हम फिर उनकी वो सेल कराते हैं। इससे ये है कि उन ख्वातीन का भी फ़ायदा हो जाता है और उसमें ये कि हमारी पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, बिलाशुबा ये जज्बा जो है खिदमत खल का वो आपके अंदर शुरू से ही है क्योंकि आपने शौकत हानम की फंड रेजिंग के लिए भी काफ़ी काम किया हुआ है, तो ये जज्बा जब आप बचपन में थी थोड़ा सा अगर बंदा बैक पे चला जाए तो बचपन में क्या देखती थी, कब से ये जज्बा परवान चढ़ा आपके अंदर? मैं असल में ना एक जिम्मेदारा घराने से भी हूँ और एक हमारी फैमिली में पॉलिटिक्स तो तीनों पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी के ज़क़ा अशरफ हैं मेरे मामू के बेटे, अच्छा। मामू के बेटे जफर इकबाल हैं मुस्लिम लीग के, और PTA के मैं और शफकत महमूद है मेरे कज़न। डेमोक्रेसी आपके खानदान में जी हम रहा इकट्ठे बैठते हैं तो बिल्कुल हमारी आपस में ना कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपस में कोई लड़ाई शड़ाई हो, नहीं, लेकिन बड़ी सुलह इत्तेफाक से बातचीत होती है। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको एक दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बहुत एंजॉय करते हैं ना एक दूसरे के साथ तबसरा करके। दूसरा बचपन में ना वाकई सही बात है आपकी कि मैं देखा करती थी कि अम्मी भी इस तरह के काम करती थी कि जो आते थे ना बाजारे टाइप ज़मीनों से उनकी माइयाँ बच्चे बंदे उनके काम करने, फादर मेरे तो डेली आज तक बचपन से लेकर आज तक मैं देख रही हूँ कि सुबह उठते हैं ना तो बाय लॉन में ढेरों लोग बैठे होते हैं और ढेर काम लेके अंदर आ जाते हैं कि इनके ये मैंने आज काम करने हैं, उनके साथ भी चल पड़ते हैं, इसलिए वो अंदर वो चीज़ है कि इनके काम करने हैं। मैं खुद वहाँ पर रही हूँ, मेरे मियाँ आर्मी में थे, आर्मी जब छोड़ी तो वहाँ मैं रही,
तो मैंने लोगों के बहुत ज़्यादा काम किए, उससे फिर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आज भी मैं एक जगह से होके आई हूँ कि वहाँ पे ख्वातीन का ये जो होता नहीं है कि गेस के जी पेरेंट्स को मिलने नहीं देते, या गरीब लड़कियाँ जो हैं उनके उन्हें कोई हक नहीं मिलता, या किसी को कोई फादर की तरफ से जायदाद का हिस्सा नहीं मिलता। मैं उस ऑफिस आज सुबह हो कहीं दो तीन मसले हल करता। अच्छी बात है, और सियासत करता भी इंसान इसलिए कि लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल करें। अच्छा विशिक साहब, आपसे जानना है, मैं चाहूँगा कि हम टूरिज्म की अगर बात करें तो आजकल बहुत सी टर्म्स यूज़ होती हैं, मेडिकल टूरिज्म की, एजुकेशनल टूरिज्म की, एक इंडस्ट्रियल टूरिज्म भी है, जिसका चाइना हमारे सामने बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया से लोग उनकी इंडस्ट्री की वजह से खींचे चले आते हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी मजबूत है, टेनिस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि बाहर से लोग आएँ और यहाँ आकर पाकिस्तान को भी देखें और साथ साथ अपना बिजनेस भी करें। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो लेदर इंडस्ट्री है इसमें 95% एक्सपोर्ट है, डोमेस्टिक तो इसका यूजेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि लेदर इज़ एन एक्सपेंसिव मटेरियल, तो वो यहाँ पे लोग इसको अफोर्ड नहीं करते, और तो इसलिए जो जितनी भी इसकी मार्केटिंग की जाती है वो यूरोप में, अमेरिका में की जाती है, और वहाँ से कस्टमर आते हैं पाकिस्तान। कुछ पीछे जब हालात नहीं ठीक थे तो कुछ रुकावट हुई तो नहीं आने, लोगों ने आना बंद किया, लेकिन अब फिर दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क से आए हैं, आप आपके मुल्क में क्या है टूरिज़्म, हमें दिखाएं। तो उनको ये बहुत शौक है कि ये देखें जाके हमारे टूरिज़्म में पाकिस्तान में क्या अवेलेबिलिटी है, और ये फोर्ट है, शालीमार बाग है, हमारे जो माउंटेन्स हैं, बल्कि हिमालयस की तो लोग इतनी बात करते हैं कि हमें किसी तरह से ले चलो हिमालयस को, और वी वांट टू टच द फुट ऑफ द हिमालया। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि जितनी ट्रेड एक्सपेंड होगी उतनी ही टूरिज़्म भी एक्सपेंड होगी, लेकिन उस टूरिज़्म के लिए हमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ यहाँ देनी पड़ेगी। अब आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ, बहुत ही एक अच्छा मुल्क है, और बहुत तो जगह जगह पे आपको मोटेल्स मिलेंगे, जगह जगह पे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये पाकिस्तान में हुआ नहीं है, तो कोई भी अगर आता है फॉरेनर तो वो इस बात से घबराता है कि मुझे आगे क्या ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो अगर यहाँ फैसिलिटीज़ और डेवलप हो जाएँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा अच्छा स्टेप है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और टूरिज़्म उनका बड़ा एक फोकस पॉइंट है, और अगर ये डेवलप कर दें तो यहाँ इतना टूरिज़्म आएगा, क्योंकि ये जो हिमालय की जो बेल्ट है इसको तो बहुत से लोग आते हैं कि यार हमारे तो मुल्कों में ये है ही नहीं, तो आप हमें ले चलें और दिखाएं हमें का जाके कि ये कैसे वहाँ पे पहाड़ हैं और क्या है। और उसके अलावा फिर हमारे पास कश्मीर है, हमारे पास अपने और इतने स्पॉट्स हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन डेवलप नहीं किया जा सका। इनको अगर डेवलप कर दें तो बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल, हमारी गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि इस पर काम किया जाए, इसको डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ फिर वो जो फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं लोगों को प्रोवाइड कीजिए, आप भी लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह डिस्कवर पाकिस्तान की भी कोशिश है कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, यूरोप में आप जाएं तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के बहुत सारे टूरिज्म के डेस्क लगे होते हैं, एयरपोर्ट पे हैं, जगह जगह पे हैं, आप वहाँ पे जाके उनसे ब्रोशर ले लें, उसके बाद वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने पैराग्लाइडिंग करनी है तो कहाँ जाना है, आपने फलाने पॉइंट पे जाना है तो कैसे जाना है। लेकिन यहाँ पर इस किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है, ये आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये ऐसे डेस्क बनाएं, और एक टूरिस्ट आए उसको एयरपोर्ट से इंफॉर्मेशन मिले, होटल से मिले, टूरिस्ट के काउंटर्स बने हुए हों, और ये जो भी जगहें वो जाना चाहते हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन हो, टूर गाइड्स हों, यू नो, ट्रांसपोर्ट सर्विस अच्छी हो, तो फिर मेरे ख्याल इसकी आपने हुकूमत की बात की तो कॉरिडोर तक बात जो है वो पहुँच जाएगी। ये बताइएगा, जैसा शेख साहब ने कहा कि मतलब हमारे पास, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिस तरह कि अभी कुछ ऐसा पहले पता चला मुझे कि पाकिस्तान की जो डेजर्ट लाइफ है वो बड़ी खूबसूरत है, और पाकिस्तान के पास एक ऐसी बेल्ट भी है जहाँ पर वाइट सैंड डेजर्ट है और नेचुरल लेक्स भी हैं उसके अंदर, तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन इस पर तो हुकूमत को काम करना होगा। शेख साहब ने बाहर के मसाले तो बहुत दिए हैं, यूरोप की भी दी, स्विट्ज़रलैंड की भी सारी मसाले दी, लेकिन अन करीब आप देखेंगे कि खान साहब का इसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, और उन्होंने हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि नथिया गली को देख लें, उन्हें कितना पसंद है, वो जाते हैं वहाँ पे, कि अब स्वाद देख लें जो कि बहुत दूर हुआ करता था, अब इस्लामाबाद से जाएं तो 2 घंटे का रास्ता है और स्वाद पहुँच जाते हैं, अगर आप गिलगित जाएं तो वो भी रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन खान साहब ने ये ख़ास तौर पे इसकी तरफ टूरिज़्म की तरफ तवज्जो दी हुई है कि जी वो भी हो जाएगा। दूसरा ये कि भावलपुर के हम तो उस साइड के रहने वाले हैं, वहाँ पर आप देखें हर साल जीप रैली होती है, बड़ा अच्छा इंतजाम होता है, मैंने खुद वो अटेंड किया हुआ है,
वहाँ पे कैंपिंग लगती हैं, फौजियों के कैंप लगते हैं, दूसरों के लगते हैं, और हर अलग-अलग सनतकार के भी लगते हैं, टूरिज्म वालों के लगते हैं। वहाँ पे फिर रात बहुत रौनक होती है। कभी आपको चांस मिले तो जाके वो जीप रैली को देखें, उसका सालाना बहुत अच्छा इंतजाम है। बिलाशुबा बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जैसा कि आप लोग मुलाहिज़ा कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो गपशप हो रही है, बहुत सी चीज़ें जानने को भी मिल रही हैं। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी इंडस्ट्रियल टूरिज्म को किस तरह फ़रोग दी जा सकती है, साथ ही साथ हम मिस निगत से बात कर रहे थे कि ख़वातीन के हकूक़ की फराहमी के लिए क्या क्या मज़ीद वो इकदाम कर रही हैं। जिस तरह कि पहले हमारी बिफोर द ब्रेक हमारी बात हो रही थी टूरिज़म के हवाले से, गवर्नमेंट भी फोर्स कर रही है, हमारे CM का PM का ये मिशन है कि टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। डिस्कवर पाकिस्तान ने भी ये इनिशिएटिव लिया, इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गवर्नमेंट ने टूरिज़म के जो मिनिस्टर हैं या चेयरमैन हैं ना, उन्हें खान साहब को असल में ना पहाड़ी इलाके और नेचुरल ब्यूटी और ये हिल स्टेशन इन चीज़ों का बहुत खुद भी शौक़ है, और उनका भी ये होता है कि बाहर से लोग आएँ और आके तो इसको देखें। मेरे बल्कि बच्चे बाहर रहते हैं, मेरे तो बच्चे यहीं से पल के गए, आगे से वहाँ पे पढ़ने गए तो वहीं शादियाँ हो गई उनके। अब आगे जो बच्चे हैं ना, वो कहते हैं कि हमें आके पाकिस्तान वो दिखाएं, हम लेके जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि ये पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो सारे हिल स्टेशन देखे हुए हैं ना, हर साल वहाँ पे जा जा के। आप अगर कागान की तरफ निकल जाएं तो बहुत ही खूबसूरत है, कश्मीर देखें तो वो भी, और सवात देखें तो वो भी, और जो है ना चित्राल, वहाँ पर तो ख़ास तौर पर टूरिज़म जाते हैं, कलाश के लिए जाते हैं। और सिर्फ ये कि रोड्स किसी किसी जगह पे ख़राब हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अगर कभी इंटरव्यू का मौका मिलेगा तो शेख साहब कहेंगे कि बाकी सही बात है, पाकिस्तान जो यूरोप के मुकाबले में हो गया। इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम। शेख साहब, मैं दोबारा बात करना चाहूँगा आपके सेक्टर से मुतालिक। आपका जो सेक्टर है वो अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल से जो फार्मर्स हैं, जो लाइव स्टॉक में हैं, उनसे ये काम शुरू होता है, फिर हमारी अभी ईद कुर्बान गुजरी है बड़ी तादाद में, तो आप समझते हैं कि कुछ हद तक मतलब एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और किस तरीके से हम अपने फार्मर को गाइड कर सकते हैं कि वो उस तरीके से इन जानवरों को पाले ताकि एक अच्छी लेदर जो है वो आप लोगों तक पहुँचे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा लेदर अवेलेबल है, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको वैक्सीनेट नहीं किया जाता जानवरों को। उस वैक्सीनेशन की बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट होती है और वो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, लेकिन
वो सही जगह पहुंचती नहीं है। जो डोजेज आती हैं वो अनफॉर्चुनेटली बाज़ार में बिक जाती हैं, फार्मर्स तक नहीं पहुंचती, जो कि फ्री डोजेज होती हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि उसमें पॉक्स है, उसमें और बहुत सारी वॉबल फ्लाई है, पॉक्स है, फिर वो एक जिस्म में वो सफ़ेद निशान आ जाते हैं, स्किन डिजीज़ वो सब आ जाती हैं। अब देखें यहाँ पर पाकिस्तान में एक डेयरी कॉरपोरेट सेक्टर का भी एक अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट हुई है, और उस डेयरी सेक्टर में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सब बाहर से आते हैं, अमेरिका से, और वो जो उनकी जो वैक्सीनेशन है वो खुद हम वहाँ करते हैं अपने डेयरी सेक्टर में, वहाँ डिजीज़ नहीं होती। तो दैट प्रूव्स कि अगर ये वैक्सीनेशन प्रॉपर की जाए तो हमारे पाकिस्तान के जितने भी लाइफ स्टॉक हैं उसमें वो डिज़ीज़ ख़त्म हो सकती है। उस डिज़ीज़ की वजह से जो चीज़ एक मिसाल के तौर पे 5,000 रुपए की अगर खाल बिकनी है तो वो 1,000 की बिकती है, सिर्फ डिज़ीज़ की वजह से, एनिमल वही है। दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक और ये है कि पाकिस्तान का जो लाइफ स्टॉक है बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। हमारे जो सेंसस बनते हैं वो 10% 15% 12% बढ़ा के हर साल बुक्स में शो कर देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप जाके किसी शोबे में देखें, किसी सेक्टर में, किसी एक प्रोविंस में उसका सर्वे करें, तो वो 2016 से भी कम हमारे पास लाइव स्टॉक है। और इसकी तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है हमारे गवर्नमेंट को कि लाइव स्टॉक अपना डिप्लीट ना करें, इसको बढ़ाएं और इसके ऊपर फार्मिंग को प्रमोट करें। और मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा कि जो मीट हम बाकी मुल्कों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के जानवर ज़बह करके, वो रोक दें। अगर किसी ने मीट एक्सपोर्ट करनी है तो वो एनिमल इम्पोर्ट करे, लाइव एनिमल बाहर से, और उसका मीट वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करे, ना कि पाकिस्तान के जानवरों को ख़त्म कर दें। जिस स्पीड से हम डिप्लीट कर रहे हैं तो अगले 5-7-10 सालों में हमें तो बड़ी सख्त प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारे पास गोश्त भी महंगा, लेदर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी अवेलेबिलिटी देखें, हाइट से आपका लेदर है, मीट आपके पास है, मिल्क है, बोन्स हैं, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो प्रोटीन लेवल आपके कम हो जाएंगे। तो ये क्योंकि मुर्गी के ऊपर सारा कुछ हम डिपेंड नहीं कर सकते ना, यू नीड मीट फॉर योर बॉडी। अच्छा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का नाम हर जगह से हो, और हम बार बार कहते हैं बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड सेल पाकिस्तानी, तो क्या फिनिश गुड्स जो है पाकिस्तान से बनके जा रही है जिस पे लिखा हो मेड इन पाकिस्तान और लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान की टेनर्स की तरफ से आ रहे हैं? नहीं नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखें फर्स्ट स्टेज में तो ये है कि जो बाहर के रेनाउंड ब्रांड्स हैं पहले तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेडीज़ के बहुत सारे बैग्स हैं, आप लोग शूज़ पहनते हैं, वो सब ब्रांडेड शूज़ जो आते हैं उन शूज़ के लिए हम लेदर बना के दे रहे हैं। तो वो जो शूज़ जो बनते हैं ब्रांडेड, उसकी कीमत अगर आप देखें हमारे अपने लोकल शूज़ से कम 20 गुना ज़्यादा होती है। तो नेचुरली जब आप उसमें फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाते हैं, हमारी ये बैठी हुई है ये भी फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में जब आप लेडीज़ शूज़ में लेदर बनाएंगे तो प्राइस भी आपको उसकी तरह से ज़्यादा मिलेगी। तो एक ही लेदर है जिसको आप फैशन डिज़ाइन कर लें तो उसकी कुछ और प्राइस है, उसको आप नॉर्मल सेल करें तो कुछ और। तो अभी तो फर्स्ट टारगेट में हम उन ब्रांड्स को टारगेट करके अपनी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और हमारी तकरीबन 300% की वैल्यू एडिशन है फ्रॉम द रॉ हाइड। जब आप शुरू करते हैं और इसको जब बनाते हैं लेदर, तो 300% की इसमें वैल्यू, जो कि हाईएस्ट है पाकिस्तान में। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जब आपकी इंडस्ट्री पूरी और फ्लोरिश करेगी तो फिर आप यहाँ पर भी ला सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान का नाम इतना यूरोप में नहीं अच्छा गिना जाता, तो वो देखते हैं मेड इन पाकिस्तान तो वो वैल्यू नहीं मिलती, उससे ज़्यादा वैल्यू मिलती है जब कि वो चाइना में बनाओ या यूरोप में बनाओ या किसी और मुल्क में ब्रांड का बना हुआ। अच्छा, हमने इंडस्ट्रियल टूरिज्म पे काफ़ी बातचीत की है, घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक रखते हैं, तो लास्ट डेस्टिनेशन बताइए जो आपने अपनी फैमिली के साथ विजिट की हो। देखिए अभी हमारी बैठी हुई मैडम, इन्होंने स्वाद की बात की, तो मैंने भी मालम जब्बा के बारे में सुना था लेकिन मैं कभी गया नहीं था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि जी रोड बहुत अच्छी बन गई है और इजी हो गया जाना। मैं आज से 20 साल पहले स्वाद गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं कभी नहीं जाऊँगा, इतनी ख़राब रोड थी कि ना, हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस। लेकिन अब जो मैं गया पिछले सीज़न में, तो आई वो सरप्राइज्ड कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड की रोड बन गई। और इनफैक्ट जब मैं वहाँ रास्ते में एक जगह पे रुका जो इंटरचेंज था सुहात मोटरवे का, तो वहाँ पर वो कोई इंटरव्यू ले रहे थे, वो हमारी जो गवर्नमेंट है केपी गवर्नमेंट, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे इंटरव्यू में लिया। उन्होंने कहा जी आपको हम यहाँ देखा है कि आप आए हैं, कहाँ से आए हैं, और मेरे साथ एक अमेरिकन गेस्ट था। उन्होंने जब उसको देखा, उन्होंने कहा जी मुझे इनसे कमेंट्स चाहिए। उन्होंने वहीं रोका हमें और वहीं पर कैमरा ऑन करके उन्होंने इंटरव्यू लिया। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड द अमेरिकन कस्टमर कि ही वॉज सो इम्प्रेस, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ पे ऐसी रोड्स और ये। देन आई टुक हिम टू मालम जब्बा।
और आप समझते हैं कि लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जरा आसानियां पैदा हो गई हैं? नहीं, बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं। मैं आपको एक बिल्कुल बता रहा हूँ कि अमेरिकन का जो कमेंट था वाज अमेजिंग। उसने कहा अगर ऐसी मुझे टूरिज्म के स्पॉट्स मिल जाएँ तो आई एम रेडी टू कम हियर एवरी टाइम एंड विजिट अदर प्लेसेस। लेकिन अभी क्योंकि मालम जिब्बा की एक बड़ी अच्छी एक यूनिक पोजीशन बनी, आई होप कि इसी तरह से और बाकी डेस्टिनेशंस भी ऐसी बन जाएं और रोड्स अच्छी बन जाएं और एक्सेस मिल जाए उनको आसानी से और होटलिंग अच्छी हो तो बहुत से लोग आने को तैयार हैं। बड़ा वैलिड और सही सजेशन है। और जिस तरह कि हम सब यहाँ पर हम ख्याल लोग बैठे हैं और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े, पाकिस्तान के टूरिज्म जो है वो आगे बढ़े, पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इसीलिए हमने ख़ास तौर पर एक सेगमेंट बनाया है जिसमें हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो खूबसूरत इलाका आपको दिखाया है उसको टॉप ट्रेंड बनाएं। तो सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, वो है ट्रेंडिंग टुडे। इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान के उस खूबसूरत मकाम को टॉप ट्रेंड पर लेकर जाते हैं जिस जगह की हमने आपको सैर करवाई होती है। तो आज हमने सैर की है मंचर लेक की। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना सेल फोन उठाना है, अपने ट्विटर अकाउंट पर जाना है और टाइप करना है #discovermancherlake, #discoverpakistan, #themorningshowhd और इसको बना देना है टॉप ट्रेंड। इज जस्ट अ 15-second एक्ट ऑफ काइंडनेस विच कैन क्रिएट मैनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली कंट्री रेवेन्यू। हमें इमोशनली कनेक्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने पाकिस्तान से बहुत कुछ लिया है, फैसिलिटीज भी, फ्री टेरिटरी है, नाउ इट्स हाई टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान। और जितनी देर में नजफ ने बात की, मैंने, शेख अंजुम जफर साहब ने और मैडम ने भी जो है हमने अपने ट्विटर अकाउंट से जो है इसको ट्वीट कर दिया, तो आप रीट्वीट कर सकते हैं हमारी ट्वीट्स को भी और आप फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, जिस भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर हैं। तो आपको आज टॉप ट्रेंड बनाना है इस खूबसूरत से इलाके को और हम पाकिस्तान से इतना कुछ लेते हैं तो इतना गिव बैक तो हमें पाकिस्तान को करना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आज हम इसको टॉप ट्रेंड बना देंगे। बिल्कुल। अच्छा निगर साहब, ये बताइएगा, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि जब हमारे टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट जाते हैं तो ये शिकायत मिलती है कि गंद जो है वो फैलाया जाता है। शायद आदत को चेंज करने के लिए हम भी बार बार कह रहे हैं और हुकूमत की जानिब से भी अब इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं, तो किस तरीके से मजीद कानून साजी की जाए और इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए, हमारा जो हेरिटेज है उसको भी नुकसान ना पहुँचे और जो खूबसूरत जगह हैं वो भी साफ़ सुथरी रहें। हाँ, ये आपकी बात सही है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो सबका पाकिस्तान है, जो आम आवाम जाती है सैर करने उसका भी पाकिस्तान है, उन्हें भी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैंने खुद ये देखा है कि चादर बिछाई है, पिकनिक मनाई है, खाना खाया है, वहीं पे सब कुछ फेंक के आ गए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग ना। वहाँ पे एक डस्टबिन का भी बंदोबस्त किया जा रहा है और डस्टबिन पड़ी होती हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्स पड़े होते हैं, फिर भी लोग उसमें नहीं फेंकते, बाहर फेंक के आ जाते हैं और वो इतनी खूबसूरत जगह को तो वो गंदा करके आ जाते हैं। तो ये गलत चीज़ है, इन्हें बल्कि चाहिए कि खुद सफाई का ख्याल रखें। खूबसूरत जगह तब तक खूबसूरत रहती है जब तक आप उसको खूबसूरत रखते हैं और उसको नीट रखना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान से हम मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार हम इसी तरह कर सकते हैं कि अगर हम उसका ख्याल रखें, उसके लोगों से प्यार करें। इस बिहेवियर चेंज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड की जाए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जब से ये कोविड हुआ है और हमारी जो ट्रैवलिंग बाहर बंद हो गई है उससे पाकिस्तान के टूरिज़्म को बहुत सपोर्ट मिली है। अब आप देखें कि इस वक्त नॉर्थ में इतना रश है कि लोग जो बाहर ट्रैवल करते थे अब वो नहीं कर रहे और ये अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को और वो कर भी रही है और उससे और टूरिज़्म प्रमोट होगा। अब देखें, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हम यहाँ से जाया करते थे यूरोप और टूरिज़्म वहाँ करते थे, अब उनकी बारी है, वो यहाँ आए और उनको यहाँ आके हमें वो डॉलर्स देने चाहिए जो हम यहाँ से डॉलर्स वहाँ खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आई रियली अप्रिशिएट कि जो इन्होंने काम किए हैं और कर रहे हैं। इस पे देखिएगा कि वहाँ से डॉलर बहुत सारे आ सकते हैं, जो कि हमने कई दहाइयों से उनके ऊपर पैसे लगाए और उनको डॉलर जाके पाकिस्तान के हार्ड अर्न मनी वहाँ जाके खर्च किए। अब नहीं होना चाहिए, अब होना चाहिए मेक इन पाकिस्तान, नो मोर मेक इन EU और नो मोर इन एवरीथिंग। आप उसमें लेदर इंडस्ट्री ले लें, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लें, जो इंजीनियरिंग ले लें, अब पाकिस्तान का नाम आना चाहिए और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से ये इंडस्ट्री अब ग्रो करनी चाहिए। हम तो बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, $25 million से भी हम हम 21 billion पे चले गए पिछली गवर्नमेंट में और अब वापस हम 25 पे आए और अब नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट दिया है, लास्ट मंडे को मेरी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कैबिनेट रूम में,
उन्होंने एक्सपोर्टर्स को बुलाया हुआ था, मुझे भी बुलाया हुआ था, तो वहाँ उनको जो प्रोजेक्शन देकर आए हैं हर एक ने अपने अपने सेक्टर की दी, उसमें 31 बिलियन का अगले साल का प्रोजेक्शन है। लेकिन ये उन्होंने इस पर रुकना नहीं है और इसके बाद ये आगे बढ़ के यू हैव टू क्रॉस 50 बिलियन। एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश है जो कि 50 बिलियन की बातें कर रहा है, तो हम कहाँ बैठे हैं? तो ये हो सकता है, सिर्फ उसमें देखें इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर होनी चाहिए, जो कि अब हो रही है। और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड आई रियली थैंक हिम फॉर द एफर्ट्स ही इज़ डूइंग। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी पर्सनल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत पोटेंशियल को हम आगे ले जा सकते हैं और ये बढ़ेगा काम इंशाल्लाह, और उससे फिर टूरिज्म भी बढ़ेगा, उससे इंडस्ट्री भी होगी, जॉब्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। बाकी आपने जो बात की कि वो अवेयरनेस की बात, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है। देखें इंप्रेशन बड़ा ख़राब होता है जब आप चले जाएँ किसी भी माउंटेनियस एरिया में, तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ तो बाहर आपको बोतलें नज़र आएंगी गिरी हुई। अच्छा वहाँ डस्टबिन की प्रोविजन नहीं है और कोई ट्रेनिंग नहीं है, और मैं जो समझता हूँ कि लोकल जो जैसे हमारे LMC है, लाहौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसी तरह उस एरिया की जो कॉरपोरेशंस है ना, या तो उनके पास फंड्स नहीं है, या वो एक्टिव नहीं है, या उनको उनकी पूछताछ नहीं है। अगर वहाँ पर वो एक्टिव हो जाएं और उनको वो एरिया में घूमें और देखें कि किसने ये कूड़ा जो है ना बाहर फेंका और डस्टबिन में नहीं फेंका, वो फाइन करें उनको, क्योंकि ये हमारे हमारे बड़े हमारा ख़जाना है जो कि हम ज़ाया कर रहे हैं। और इससे फिर जो फॉरेनर आता है ना, वो एक दफ़ा देखता है तो उसका इंप्रेशन ख़राब होता है कि ये क्या है यहाँ पे। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इससे आपकी टूरिज्म और बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया शेख अंजुम जफर साहब, आपने इतनी मतलब कीमती सजेशन दी और इतनी अच्छी अच्छी बातें की। बिल्कुल, और थैंक यू सो मच मिस निगत आपके यहाँ पर आने का और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, और आपने जो ख़वातीन के हकूक के हवाले से बात किया हमारे नासरीन को बताया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी जी ज़रूर ज़रूर। जो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है ना, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप अपने माउंटेन्स में जाएँ, सब गंजे हो गए हैं और काट काट के लकड़ी जला जला के इन्होंने पूरे माउंटेन का सत्यानाश मार दिया। जबकि मैं अरिजोना गया हुआ था अमेरिका में, और वहाँ का एक कैक्टस ट्री होता है, उसमें बहुत पानी के बगैर होता है और उसमें बहुत फाइन है। अगर कोई एक काटेगा, किसी वजह से उसने कोई घर बनाना है, उसको एक काटना है तो उसकी जगह पर उसको एक लगाना है, वरना वो काट नहीं सकता। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं है कि कितने ही दरख्त कट गए और क्या हो गया। तो ये नहीं, अब हो रहा है ना, मैं यही इसी पे आ रहा था कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसी चीज़ को जो है हम भी बार बार लोगों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, बल्कि हमने तो इस दफ़ा एक चैलेंज ये भी दिया है कि जहाँ हम अपनी छतों पर सब्ज झंडे लगाएं, सब्ज लाली परचम लहराएं, वहीं हमें अपने अपने मोहल्लों में, अपने घर में दो दो पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तो बहुत ही दिलचस्प बातें हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए और आपने अच्छी सजेशन दी। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। पहाड़, दरिया, जंगल, वादियां, सहरा और बेले, उम्मीदों से भरे दिलों में मोहब्बतों के मेले, रंग उड़ाते शहर, कहानियां सुनाते गांव, सरों पर तनी अमनो आश्ती की छांव, चहकारे महकारे, कहकहे और मेल, जज्बों के मैदानों में चाहतों के खेल, मोहब्बतों से बुने ताने बाने और याराने, अपनायत से पके पकवान और खाने, सारे मजहब सारी कौमें एक साथ, अखुवत की डोर से बंधे हाथों में हाथ, तहजीबों सकाफतों और जुबानों की रंग बरंगी तस्वीर, चारों सूबों को जोड़ती भाईचारे की एक जंजीर, आओ देखो मेरा पाकिस्तान, डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पिरेशनल वुमेन से, जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी, किस तरह उन्होंने हर्डल्स का मुकाबला किया और आज सक्सेसफुल हुई हैं। तो आज जो इंस्पिरेशनल वुमेन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अब मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। कम उम्र पीएचडी स्कॉलर हैं, नमल लाहौर कैंपस में जो है रेगुलर फैकल्टी मेम्बर हैं, और बहुत सारे उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जो है रिसर्च पेपर और जर्नल जो हैं प्रजेंट किए हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माहम जाहिद खान ने, डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं माहम? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? ज़बरदस्त। अच्छा माहम, मुझे ये बताइए, कम उम्र पीएचडी स्कॉलर, मतलब शुरू से ही प्लान था कि पीएचडी करनी है या बीच में कहीं से मोटिवेशन मिली? कुछ चीज़ें आपके नसीब में लिखी गई होती हैं, आप उसके लिए प्लान नहीं करते, लेकिन हाँ आपकी कोशिश और आपकी नीयत का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो बस ये कुछ इसी तरह से था कि जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया तो मुझे था कि मैंने एमफिल करना है। इवन जब हमारी स्पेशलाइजेशन होती है थर्ड सेमेस्टर में जाके ना, तो हमारे डॉक्टर एहसन अख्तर नाज साहब होते थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने प्रिंट मीडिया क्यों ऑप्ट किया, आप तो माशाल्लाह मतलब अच्छी एक प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटी की मालिक हो, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्यों नहीं गए? तो आई सेड सर मुझे ना एमफिल करना है, तो आई वॉन्ट मेरी अभी से बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो उस टाइम से ये चीज़ तो सोचती थी, लेकिन पीएचडी का उस टाइम पे नहीं सोचा था। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया और बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, एंड देन मैंने सोचा कि हाँ वाई नॉट, मतलब करना चाहिए। और फिर आगे जब इस फील्ड में आई, पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो है आइडिया हुआ कि हाँ दिस इज द नीड ऑफ टाइम भी और ये मेरा पैशन भी है। जब मैं क्लास में जाती हूँ, एक मज़े की बात बताती हूँ आपको, तो मुझे जितनी मर्जी टेंशन हो घर की, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की, मैं वो भूल जाती हूँ, और फिर मैं जब क्लास से बाहर निकलती हूँ तो मैं दुनिया में वापस आ जाती हूँ। तो आई थिंक कि ये मेरा पैशन था शुरू से, क्योंकि मेरी मदर भी इसी फील्ड में है, वो भी एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, और उसके अंदर फिर वो जीन्स के अंदर भी शायद वो चीज़ आ जाती है, तो डैट्स व्हाई। अच्छा, तो ये बताइए, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पीएचडी करने के लिए आपको किताबी कीड़ा जिसको कहा जाता है वो होना पड़ता है, तो ये क्या आया ज़रूरी है, या एक नॉर्मल इंसान जो है वो पीएचडी कर सकता है? फील टू फील वेरी करता है। जो मास कम्युनिकेशन है वो किताबी कीड़ा उसके लिए नॉट मैंडेटरी ना। आपको अगर आपको शौक है, सबसे पहले आप अपना शौक रखते हो, आपने गोल बना लिया, एंड देन आपको नॉलेज है अबाउट मीडिया, करंट अफेयर्स। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था जब मैं इस फील्ड में आई हूँ पॉलिटिशियंस के बारे में जानने का, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना करंट अफेयर्स में, लेकिन फिर जब एक दो दफ़ा क्लासेस ली, टीचर्स ने समझाया, तो मुझे लगा नहीं अब लेना पड़ेगा। तो फिर वो शौक डेवलप हुआ, देन पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें देखने को मिली। तो नहीं, किताबी कीड़ा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपने बड़ी अच्छी बात की, और हम भी बार बार यही इसी चीज़ पर जोर देते हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तानी खातून जो है वो मजबूत खातून के तौर पर जो है सामने। और अच्छी बात यह है कि हर फील्ड में हम देखते हैं कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो शाना बशाना चल रही हैं, मतलब इवन माउंटेनियर्स जो हैं वो खवातीन भी आ रही हैं। तो ये बताइएगा कि, बल्कि जैसे नजर ने कहा इंस्पायरिंग वुमन, मैं तो कहूँगा मोर ऑफ इंस्पायरिंग गर्ल यू आर। तो इतराज था इसके टाइटल से, सेगमेंट के लिए कोई बात नहीं। मैंने हटा दिया आपका इतराज। अच्छा ये बताइएगा, पढ़ने का तो आपको शौक है ही, लेकिन घूमने फिरने का भी क्या शौक है? हाँ जी है, जब जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जरूर इसको अवेल करती हूँ। लास्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान की आपने विजिट की और फैमिली के साथ? इस्लामाबाद। लास्ट वैसे तो इस्लामाबाद हम बहुत जाते हैं, क्योंकि मेरे जो पापा की फैमिली है, मेरे जो फूफो हैं चाचू हैं, वो वहीं रहते हैं, बचपन से जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने लास्ट पूछा है तो लास्ट वो ही थी इसलिए। हाँ। कोई मसला नहीं, डिस्कवर पाकिस्तान आपको और आप जैसे बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहा है बहुत सारे जगहों के मकामात की सैर करवा कर, कि वहाँ पर जाइए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हाँ जी एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा माहम ये बताइएगा, आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह कि हम बार बार लोगों को ये कहते हैं कि ट्रैवलिंग जो है इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ इवन, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितने अरसे बाद जो है ज़रूर निकलना चाहिए अपनी इस रूटीन लाइफ से और रिलैक्स होना चाहिए? देखिए ये तो मैं भी कहती हूँ, जब मैं खुद काम करके थक जाती हूँ, तो मेरे पीएचडी का भी काम होता है, रिसर्च का प्लस जॉब भी है, तो मुझे खुद फील होता है कि नहीं अब चलो कुछ नहीं तो इस्लामाबाद मरी चले जाओ, कुछ नहीं भी है तो ये होना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी करो तो साल में दो दफ़ा, एक दफ़ा समर वेकेशन में कर लो और एक दफ़ा विंटर्स में कर लो, आप कहीं
जाओ, ज़रूर जाओ। और पाकिस्तान माशाल्लाह हमारा इतना खूबसूरत है कि पाकिस्तान को ही एक्सप्लोर करना चाहिए आपको। अच्छा मैम ये बताइए, अब आते हैं आपकी मैस कॉम की तरफ, क्योंकि ये आपकी स्पेशलिटी है, आपकी फील्ड है। मैस कॉम का किस तरह देखती हैं आप पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर? अगर देखा जाए एकदम बूम आया, बेतहाशा लोग जो है मैस कॉम के अंदर आ गए, अब लोग जो है वो कम होते जा रहे हैं, तो आपको क्या नज़र आ रहा है मैस कॉम का फ्यूचर पाकिस्तान में? मीडिया तो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है और इस बात हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैस कॉम का आप कह सकते हैं कि डायमेंशन चेंज हुई है। जैसे पहले लोग प्रिंट की तरफ बहुत ज़्यादा थे, देन इलेक्ट्रॉनिक आया, वहाँ पर लोग धड़ाधड़ मतलब एंकर्स बन रहे हैं और ये सारा कुछ। अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया की वजह से इलेक्ट्रॉनिक की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस आई गेस कम हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैस कम्युनिकेशन का फ्यूचर मतलब ख़त्म हो रहा है या कुछ नेगेटिविटी आ गई है इसमें, डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, ये नहीं कहूँगी मैं। मैस कम्युनिकेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मास कम्युनिकेशन में आपके पास और बहुत कुछ है, आपके पास पीआर की फील्ड है, आपके पास एडवर्टाइजिंग की फील्ड है, पढ़ने पढ़ाने की फील्ड है, एजुकेशन रिसर्च है, तो वो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है आप उसमें जाएं और एक्सेल करें और मास कम्युनिकेशन का फ्यूचर इंशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ब्राइट है। अच्छा मैम, आपने मीडिया पर काफ़ी रिसर्च की है, क्या समझते हैं कौन से फ्लॉज हैं जो अभी भी हम उस पर हैं और हमें वो ठीक करने की, उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरी है? दो बहुत अच्छे बेस्ट चैनल्स में काम भी किया है जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस ना, तो उधर जाके मैंने ये देखा ड्यूरिंग माय एमफिल कि जो हम पढ़ते हैं और जो हम करते हैं ना उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मुझे लगता है अपने स्टूडेंट्स को ये समझाने की और ये पढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़े से करिकुलम में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सो डैट हम उनको थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा सिखा सकते हैं। हमारे जो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम में आए, वो यही बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो है वो उस स्टैंडर्ड के ग्रेजुएट्स नहीं निकाल रही हैं जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, तो आप समझती हैं ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, मैं खुद भी देखती हूँ, रट्टा लगा के पेपर कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नंबर्स, कि बस नंबर्स। अच्छा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? पीएचडी तो हो गई, अब क्या करना है? तो नहीं हुई लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन इन प्रोसेस है ना। हाँ इंशाल्लाह इसी फील्ड में आगे इंशाल्लाह एक्सेल करना है, इंशाल्लाह पोस्ट डॉक भी करूंगी, इंशाल्लाह असिस्टेंट और प्रोफेसर भी बनूंगी, फुल प्रोफेसर। उसके बाद आप गोल रोटी बनाना सीखेंगे? गोल रोटी बनाना मैं सीख लेती हूँ साथ साथ, और वो मुझे आती भी है, बिल्कुल गोल नहीं आती लेकिन आती है। देखिए पाकिस्तानी खातून जो है वो कुछ भी कर सकती हैं, हर काम कर सकती हैं, इतनी स्ट्रेंथ उनमें है, इसीलिए हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच माहम, कीप इंस्पायरिंग अस। इट्स लवली टू हैव यू हियर। अच्छा अच्छा काम करती रहिए। अब वक्त हुआ है जी आगे बढ़ने का, हमारे अगले सेगमेंट थम्स अप की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपसे मुतारिफ करवाते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए कुछ अलग और अनोखा काम किया होता है। तो आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं स्टोरी इब्राहिम शाह की, जिनकी सियालकोट बेस्ड कंपनी है मोबिलिटी के नाम से, और ये प्रोस्थेटिक फुट बनाते हैं। जी हाँ, मसनूई अज़ा बनाते हैं उन लोगों के लिए जो डिसेबल हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के अंदर, अपना हाथ या पाँव खो देते हैं। पहले एक वीडियो देखते हैं और फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। मुलाहिजा किया आपने कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं इब्राहिम शाह, और इसीलिए हम आपको कहेंगे इब्राहिम थम्स अप। इसी तरीके से अच्छा अच्छा काम करते रहिए, और जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि हम इसमें उस तरह की स्टोरी शेयर करते हैं जो कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है, और बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, या आप कह लीजिए कि पैदाइशी तौर पर जिनके अज़ा नहीं होते, उनको ये हेल्प आउट करेंगे और बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है ये प्रोस्थेटिक फुट बना रहे हैं, आगे मजीद मसनूई आज़ा जो है वो बनाएंगे। और सलमान ये एहसास की बात है कि हमने अपने लोगों का एहसास करना है, देखना है इनको कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें हमने इन्वेंट करनी है। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। There are mountains,
for every hiker. Deep seas for divers. Thick forests and vast deserts. Tracks and lakes. Cities bustling with colors. And serene meadows offering most mesmerizing, intriguing, and exclusive experiences. Fall in love with the beauty that is Pakistan. Discover the undiscovered with Discover Pakistan. ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट फैशन क्रेज की जानिब। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं फैशन के बारे में, आपको बताते हैं क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरह के कलर्स इन हैं, क्योंकि मौसम बदलता है तो ट्रेंड्स भी बदल जाते हैं। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अब मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। ब्लॉगर हैं, फैशन मॉडल हैं, इसके साथ साथ एक्टिंग का भी शौक़ रखती हैं, उसकी ट्रेनिंग भी कर रही हैं। आपको बताते हैं आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आमना अजमत ने। डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में आपको खुशामदीद। थैंक यू। कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आमना, ये बताइएगा कि आप फैशन मॉडल हैं, तो कब से आपने प्रोफेशनली मॉडलिंग जो है वो शुरू की? शौक तो मेरे ख्याल से पहले से ही होगा। वो अक्सर लोग कहते हैं जब कोई शख्सियत बन जाते हैं ना बड़ी, वो कहते हैं मुझे बचपन से शौक था। तो बचपन से मुझे शौक तो नहीं था, लेकिन देख देख के खुश होती थी कि कैसे बन समर के मॉडल्स जो हैं वो खड़ी हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो अच्छी लगती थी। लेकिन अभी जब मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ तो मुझे कहा गया कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, 5'8" की हाइट आजकल लड़कियों में बहुत नायाब है, तो मुझे कहा जाता है कि आपकी हाइट अच्छी है तो आपको मॉडलिंग में आना चाहिए। मेरे दोस्त ने बैठे बैठे मुझे कहा कि आमना आप एंकरिंग तो कर ही रही हो, क्यों ना मॉडल बनो, आप मॉडलिंग भी करनी है आपने। तो उनके कहने पे फिर मैंने शूट्स वगैरह का आगाज़ कर दिया अभी रिसेंटली। अच्छा आमना, आपके नज़दीक फैशन की क्या डेफिनेशन है, क्या पर्सपेक्टिव है? फैशन इज़ क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को नए तरीके से बयान कर देना, वो फैशन है। हम कपड़ों के सेंस में लें, हम जूतों के सेंस में लें, किसी भी सेंस में हम ले लें, तो फैशन एक न्यू चीज़ को इन्वेंट करना है। क्रिएटिविटी आती है इंसान की, और जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो फैशन है मैं कहूँगी कि बेस्ट है। अच्छा आपने डिज़ाइनर्स की बात की, तो आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन सा है? मोहसिन नवीद रांझा आजकल मेरे फेवरेट हैं जी, और इसके अलावा HSY का भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा आजकल फेवरेट यानी कि चेंज हो जाएंगे साथ साथ ट्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। अच्छा आप ब्लॉगिंग भी करती हैं आमना, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या टॉपिक होते हैं? फूड ब्लॉगिंग। अच्छा फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो एक्सप्लोर करती होंगी डिफरेंट रेस्टोरेंट को, टेस्ट को। जी बिल्कुल, यही काम होता है हमारा कि अच्छे से रेस्टोरेंट्स को आप डिस्कवर करो, आप जाओ टेस्ट करो। और क्योंकि मैं एज अ ब्लॉगर खुद को जिम्मेदार समझती हूँ कि अच्छा खाना मैंने बताना है सबको। अब देखें, एक चीज़ मैं अगर रिकमेंड कर रही हूँ कि ये सैंडविच अच्छा है, ये क्यों अच्छा है, किस वजह से अच्छा है, ये हेल्दी है या नहीं है, वो मैंने अपनी पोस्ट में सारा बताना होता है, उनकी लोकेशन हर तरीके से। बैक टू फैशन, ये बताइए स्टिल शूट्स या रैंप किस चीज़
क्या क्या काम किया और कौन सी चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ? स्टिल शूट्स को मैं इन्जॉय भी करती हूँ, मैंने यही ज़्यादातर काम भी किया है। रैम्प वॉक एक दो बार की है लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्टिल शूट्स में मेरा इंटरेस्ट भी है और बंदा थोड़ा सा ईजी भी होता है। अच्छा आमना, जब आप टेलीविजन स्क्रीन के लिए काम कर रहे हो या आप मॉडलिंग कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सेहत का भी ख्याल रखो, साथ ही साथ स्किन का भी ख्याल रखो। तो क्या करती हैं आप अपनी स्किन की फ्रेशनेस के लिए? स्किन को फ्रेश रखने के लिए आपको फ्रूट्स लेना बहुत अहम है। फ्रूट्स आपने खाने, आप रोटी खाएँ ना खाएँ, वैसे खा लें तो अच्छी बात है, मैं तो खा भी लूँ तो लगती भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, इतनी स्लिम स्मार्ट हूँ। खाना भी खाएँ, टाइम पर खाएँ। अगर आप दो टाइम पर खाना खाते हो तो आपने उसी टाइम पे दो टाइम पे खाना खाना है। अच्छा। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है। और इसके अलावा वॉक वगैरह भी करें, ये नहीं कि बस खाना ही खाना है, आपने वॉक भी करनी है ताकि आप हेल्दी रह सकें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल स्किनी हो जाओ या जी आप बिल्कुल मोटे हो जाओ खा खा के, नहीं, आपने अपना वेट भी मेंटेन करना है, आपने अपनी स्किन को भी देखना है और पानी सबसे अहम है स्किन के लिए। खाने की बात हो गई, कुछ बात करते हैं घूमने फिरने की। आपका काम भी ऐसा है, ट्रैवल भी करती होंगी और अभी आपने कहा कि आपकी स्किन जो है वो इतनी फ्रेश नहीं है, हमें तो फ्रेश लग रही है। ये बताइएगा ट्रैवलिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और क्या इंस्पिरेशन लेती हैं जब आप ट्रैवल करती हैं? ट्रैवलिंग मेरे ख्याल में बहुत अहम है, हमें करना चाहिए। देखिए हम ट्रैवल करते हैं ना तो नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, हमारा नॉलेज जो है वो एनहेंस होता है। इसको मेरे एक टीचर हैं अली अब्बास साहब, तो वो कहते हैं कि बेटा ट्रैवलिंग को आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है। आपने ये नहीं समझना कि अगर 2000 लगा के मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ तो मेरा 2000 जाया हो गया। नहीं, आपका 2000 सेव हो गया किसी न किसी सूरत में। आपको कोई अच्छा फ्रेंड मिल सकता है, आपको कोई बिजनेस मिल सकता है, आप किसी अच्छी पर्सनालिटी से मिल सकते हो। नहीं, इसके साथ साथ वैसे भी ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर तो करते हो, डाइवर्सिटी आपको देखने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न भी करते हो। डिस्कवर पाकिस्तान घर बैठे आपको सैर करवा रहा होता है डिफरेंट मकामात की जो पाकिस्तान में खूबसूरत मौजूद हैं, क्या इस इनिशिएटिव के बारे में कहना चाहेंगी? डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है जी, मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आपकी देखी हैं और अमेजिंग, मतलब ऐसा ऐसा नॉलेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो जो शायद हमारे बच्चों को जानने की बहुत ज़रूरत है। और स्टडी के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है, एक अच्छे इन्फ्लुएंस के साथ आप लोग काम कर रहे हो तो आई लाइक इट। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक रखती हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स क्या अभी साइन किए हैं, क्या एक्टिंग में क्या को खास काम करना चाहेंगी? अभी रिसेंटली तो मैं जो काम कर रही हूँ वो सॉन्ग शूट्स है एज अ मॉडल, तो उसमें एक्टिंग भी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है ना। लेकिन जो बाकायदा ड्रामा इंडस्ट्री में जाना है या फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुझे ऑफर्स होती हैं लेकिन अभी मैं रिजेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी एक्टिंग में एकदम से आना शायद मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। मेरी फैमिली की तरफ से हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हों, तो इस वजह से पहले तो मैं अपना माइंड सेट करूँगी कि मैंने एक्टिंग करनी है। आखिर में बताइएगा कि पर्सनली आपको क्या पसंद है, वेस्टर्नाइज्ड क्लोथिंग या ईस्टर्न? ईस्टर्न ज़्यादा पसंद है, मेरी अम्मा भी खुश होती हैं जब मैं लंबी लंबी कमीज़ें पहनती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरी अम्मा थोड़ी सी नाराज़ भी होगी। बच्चे जो होते हैं ना, अब मैं तो अपनी अम्मा का बच्चा हूँ, तो बच्चे जो होते हैं वो वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बच्चियाँ जो है आजकल देखा गया रुझान होता है वेस्टर्न की तरफ, लेकिन पर्सनली अगर मैं देखूँगी तो मैं इवेंट के हिसाब से चलती हूँ। मैं अगर किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने के लिए जा रही हूँ तो आप मुझे हमेशा शलवार कमीज में देखेंगे, डिसेंट लुक में। अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, फ्रेंड्स की गैदरिंग है, तो फिर तो कुछ भी चलेगा। और अगर इंटरव्यू देने जा रही हूँ तब वेस्टर्नाइज्ड लगेंगे। थैंक यू वेरी मच आमना, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के फैशन डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो फैशन है वो अपनी एक यूनिक हैसियत रखता है, तो हम लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान के फैशन को आप जो है भी फॉलो करें, ट्रेंड्स को फॉलो करें, और जैसा हम हमेशा कहते हैं, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी एंड सेल पाकिस्तान। बिल्कुल, अब आगे चलते हैं, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, अभी बहुत सारे सेगमेंट्स बाकी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। टेक अ ब्रेक। Watch.
Fashion Diary every Monday at 8:30 PM. Only on Discover Pakistan. के साथ बनाया जिन्होंने खुद अपना जहां लिखी मेहनत से अजमत की एक नई दास्तान। We are here to share with the world. I am Hira Khanum bringing you the program Street Food. Watch Street Food every Tuesday at 8:30 PM. Only on Discover Pakistan. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और अब आगे बढ़ते हैं आपके पसंदीदा सेगमेंट बैटल ऑफ ब्रांड्स की जानिब। इस सेगमेंट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस ब्रांड पे कितनी सेल लगी हुई है ताकि आप जाके शॉपिंग कर सकें, अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स ले सकें। तो सबसे पहले ब्रांड के हवाले से आपको बताते हैं, MTJ पे लगी हुई है सेल, फ्लैट 25% ऑफ आज़ादी फेस्टिवल की ये सेल है। आपको इससे फ़ायदा उठाना है क्योंकि हम जैसे लोग अक्सर इंतज़ार करते हैं सेल का ताकि जाके शॉपिंग कर सकें, क्योंकि क्वालिटी भी हमने देखनी है। और मौलाना तारिक जमील के नाम पर जो है ये ब्रांड लॉन्च किया गया है, बहुत ही खूबसूरत इसके जो है कुर्ता शलवार हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स जाके आप लीजिए और आप जो है अपने दोस्त अहबाब के लिए भी जो है परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनना ये बहुत ज़रूरी है, तो बॉर्जन पर भी सेल लगी हुई है और ये समर सेल है। फ्लैट 50% ऑफ तमाम स्टोर्स जो हैं, या ऑनलाइन भी आप इनकी शॉपिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इनके जूते होते हैं, ना सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए जो है ये अपने मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़, सैंडल्स वगैरह बनाते हैं। तो जाएं और जाके अपने पसंदीदा जूते परचेज करें। और अगर आपको शिकायत है कि आपका टाइम नहीं बन पा रहा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, तो आप उनको शॉपिंग पे भी ले जा सकते हैं ताकि क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सके। आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट, हेल्थ एंड फिटनेस। यह सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस और इसमें बात करते हैं हम सेहत से मुताल्लिक, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ जो है वो सेहत है और हम अपनी सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पर हम अपने इस सेगमेंट के अंदर बात करते हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनरल सर्जन है और मुख्तलिफ अमराज के हवाले से ख़ासतौर पर देखते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज़ इनकी है ये लोकल एनेस्थीजिया के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं, जिसके अंदर मरीज़ बेहोश नहीं होता, वो अपने सेंसेस में होता है, उसको समझ आ रही होती है कि वो किस चीज़ का ऑपरेशन करवा रहा है और किस तरीके से वो बेहतर हो सकता है, जल्दी रिकवर कर सकता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चौधरी मोहम्मद कामरान। डॉक्टर साहब, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान की सारी टीम का, बल्कि जितनी मोहब्बत से आपने बुलाया और जितनी मोहब्बत से सारे मिले, ये बड़ा डिफरेंट है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। जज़ाकअल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे जनरलाइजेशन के हवाले से होगा। डॉक्टर पे जाने से पहले, डॉक्टर को अप्रोच करने से पहले, अगर घर में कोई हादसा पेश आए तो फर्स्ट एड के बारे में आप लोगों को, हमारे नाज़रीन को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें काफ़ी सारी मिथ्स हैं जिनको मैं यहाँ डिस्क्लोज करता हूँ कि उनसे अपने कैसे बचना है। मसलन मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि सर्दियों के दिन होते हैं, सर्दियों में हर घर में गीज़र नहीं होता, लोग पानी गर्म करते हैं और गर्म करके जाके उन्होंने बाथरूम में जाके उंडेलना होता है और फिर वो नहाना होता है, सारे गर्म होता है, या किचन में काम कर रहे होते हैं आप, वो कोई चीज़ गिर जाती है,
या बैठ के चाय पी रहे हैं, बड़ा रिलैक्स हो गया, बच्चा आया और साहब की चाय पूरी गर्म पेट पे गिर गई। तो बेसिकली फर्स्ट एड क्या है कि जी बर्न की फर्स्ट एड के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जब बर्न हो, वो बर्न किसी का भी हो सकता है, ऑयल बर्न हो सकता है, पानी का बर्न हो सकता है, कोई वैसे बर्न हो, दूध का हो सकता है, कार के पास आप खड़े हुए हैं, गाड़ी गर्म हो गई या रेडिएटर खोला है, सीधा पानी पड़ गया। सो देयर आर मेनी थिंग्स। जी बिल्कुल। जो मिथ है वो क्या है? अब मैंने जिस तरह अभी आपसे पूछा था जी, तो ज़्यादातर लोग, इवन हमारे बड़े पढ़े लिखे लोग भी, वो ये कहेंगे कि जी जब जल गया पानी नहीं पाना, बिल्कुल छाले बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे। यस। सो विद द सदियों से जो चलता आ रहा है वो क्या हुआ, बर्न हुआ, कपड़े में किसी ने पानी डाला, छाले बन गए। उन्होंने सोचा यार छाले तो नॉर्मल है तो इसलिए मना कर दे पानी डालने। अगर पहली बात ये पता लग जाए कि छाला जो है वो फायदेमंद है, अच्छा यूजफुल है, nice. तो डिग्री ऑफ बर्न जो कम, आपने देखा ना छाला तो पानी डाले बगैर ही बनता है, कहीं और बनता है। सो फर्स्ट डिग्री बर्न सिर्फ रेडनेस, हल्की सी जलन। सेकेंड डिग्री बर्न छाले बन जाते हैं। थर्ड डिग्री बर्न आपका गोश्त पूरे का पूरा पक जाता है। सो इट इज अ फुल थिकनेस बर्न, पूरी लेदर बन जाता है। इसलिए डिग्री ऑफ बर्न है। अब डिग्री ऑफ बर्न छाले तब पड़ेंगे जब डिग्री ऑफ बर्न थर्ड पे जा रही हो, आपने फौरन पानी डाल दिया, सही, तो वो वहीं से हॉल्ट हो गया, अच्छा। और एकदम उसमें छाले बन गए। अगर छाले वाले स्टेज पे डालेंगे आप तो वो फिर रेडनेस ही सिर्फ होगी। तो डिग्री ऑफ बर्न कम हो जाती है। मिट्टी के तो हम बने हुए हैं, मिट्टी तो खमीर है जी, लेकिन है तो गोश्त ही ना, तो ये गोश्त पकना शुरू हो जाता है, आपने इसे पकने से बचाना है। तो जो मैसेज है, मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ, मेरे पास जब टीचर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें चार पांच कागज़ के ऊपर हेल्थ एडवाइस लिख के भेजता हूँ। मैं कहता हूँ अपने स्कूल में इनको इंप्लीमेंट करें, अपने क्लास वन की, टू की, थ्री की, फोर की, फाइव की बच्चों को, टीचर्स को बताएं कि बच्चों को ये कहें, है छोटे से प्ले कार्ड बनाएं, उसके ऊपर लिखें कि वेन एवर यू गेट बर्न पुट वाटर, ये टैब बनाएं, टैब के नीचे आप हाथ रख दें, तो माएँ पूछेंगी ये क्या है, तो वो बताएंगे कि जी डॉक्टर साहब ने या स्कूल में टीचर ने बताया कि आपने पानी डालना है। जब थोड़ा सा प्रोब करेंगे तो समझ आ जाएगी बात के बाद, बाकी पानी डालने से कोई, आप देखें आटा लगाएं, नील लगाएं, टूथपेस्ट लगाएं, टूथपेस्ट इज वेरी कॉमन, और नमक भी लगाते हैं कुछ लोग, नमक लगाएं, तो टूथपेस्ट इन सब में क्या है, वाटर कंटेंट, बिल्कुल ऐसे ही, तो उसकी वजह से फायदा होता है, नुकसान उनका कोई नहीं है, लेकिन वाई नॉट वाटर। अच्छा, बर्न विक्टिम्स भी होते हैं, इन पे तेजाब फेंका जाता है, वो भी फौरी तौर पर तेजाब एसिड है, लेकिन उसका भी हल यही है, पानी डिल्यूशन, जितना डिल्यूट करेंगे जितनी जल्दी आप, उतनी जल्दी वो डेप्थ उसकी ज़ाहिर कम होगी, वो तो एक डिफरेंस टैरी हो। लेकिन कॉमन बर्न जो आपको मिलता है वो डे टू डे बर्न है, जिसको फौरन, अक्सर मुझे याद है हमारी एक कंसल्टेंट थी, मुझे वो कहती हैं कि कामना तूने मुझे बताया हुआ था कि बर्न में पानी डालना है, तो बच्चे को पूरा वो पतीली गरी और पानी पूरा गिर गया, तो मैं उसको ले के ना तो शावर के नीचे खुद खड़ी हो गई, तो वो कुछ भी नहीं हुआ उसे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो फर्स्ट बर्न की फर्स्ट एड क्या है, रनिंग वाटर डालना है अपने फॉर फ्यू मिनट्स, उसके बाद आप जो मर्जी लगाएं, पॉलीपैक्स लगाएं, जो आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, जो भी करना है अकॉर्डिंग टू द, उसके बाद आप डॉक्टर जी यस, आपने मूवमेंट शुरू कर दी तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना, वही चंद सेकंड्स हैं जिसमें आप, मैं कहता हूं तो दुकान पे सामने नेस्ले की बोतल फ्रिज से निकालें, ठंडी फौरन डाल लें, बिल्कुल ऐसे ही आपके करीब और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया बर्न विक्टिम्स के हमने बात हो गया, इसके अलावा जो दूसरी चीज है, मसलन देखें बाइक पे जा रहे हैं, हाँ जी, गिर गए नीचे, मेजोरिटी इंजरीज होती हैं ट्रिवियल होती हैं, यहाँ खराशियां आ गई, यहाँ खराशियां आ गई, बिल्कुल, अब मिट्टी लगी हुई है सारी, अब इसकी फर्स्ट एड क्या है, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, क्रक करके गिरे, इसकी फर्स्ट एड क्या है? सो लेकिन अगेन हमारे पास मरीज आते हैं, पाँव पे चोट लगी होती है, शापर बांधा होता है, मैं कहता नहाया नहीं है दो महीने से, डॉक्टर साहब नहाते हैं लेकिन पाँव पे शापर बांध के नहाते हैं। सो एक ये मिथ को ख़त्म करना है कि जब जख्म होगा पानी जख्म को ख़राब नहीं करेगा, सोप एंड वाटर से जख्म को वॉश करेंगे तो उसमें से सारी मिट्टी, मड, जरासीम, मैल, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है बताना लोगों को, फिर जब मैं बताता हूँ तो यकीन करें 80-90% पेशेंट्स खुद ही ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने इस पहलू पे बात की है। आपसे जानना चाहेंगे लेप्रोस्कोपी सर्जरी में आपकी स्पेशलाइजेशन है, सबसे पहले अगर लेप्रोस्कोपी सर्जरी की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में इसके हवाले से भी काफ़ी मिथ्स हैं कि नहीं करवानी चाहिए, ओपन सर्जरी ठीक रहती है, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। और थोड़ा सा सर्जरी बेसिकली जिस तरह देखें ना,
कॉमन सर्जिकल ऑपरेशन जो अपेंडिसेक्टमी है, गॉल ब्लैडर है, पेट में दर्द हुई, अल्ट्रासाउंड करवाया, पता लगा जी पित्त में पथरी है, ठीक है, हर बंदा पीछे पड़ गया जी, कटाओ कटाओ कटाओ, पाट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो जाहिर है। फिर अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या है कि सर्जरी विद मिनी हैंड्स, ठीक है ना, कैमरा डाला, जैसे टीवी आप देख रहे हैं, काम पीछे हो रहा है, तो कैमरे से हमें नज़र आता है और दो सुराख और करके तो हम स्मॉल इंस्ट्रूमेंट डाल के तो हम इसे हैंडल करके तो सर्जरी करते हैं। इट्स वेरी सेफ, लेकिन डेफिनेटली इसका एक लर्निंग कर्व है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, इट टेक्स टाइम, लेकिन अब 20-25 साल 30 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया इसको आए हुए और अब लोग सेफली करते हैं इसको, सेफ है। किसी का कोई एक्सपीरियंस बुरा अगर हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत होती है। ओपन कट सर्जरी की बजाय इसको क्यों डॉक्टर क्यों तरजीह करते हैं? जाहिर है कट की सर्जरी एक बड़ा कट, उसकी पोस्ट ऑपरेटिव पेन और बाकी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, और इसमें देखें ना कैमरा डाल के आप पूरे पूरे पेट को एग्जामिन कर सकते हैं। जिस तरह गायनी की सर्जरी है, यूट्रस की, ओवरीज के साथ कुछ करना है आपने, कुछ ओवेरियन सिस्ट हैं, BTL करना है, ट्यूब्स बंद करनी है, एक बटन एक क्लिप लगाया और ट्यूब्स बंद हो गई, गॉल ब्लैडर आपने देखा क्लिप किया और गॉल ब्लैडर को छोटे से सुराख से बाहर निकाल लिया एम्प्टी करके, अपेंडिक्स को आपने किया, तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी इससे होते हैं। खासतौर पे हम जो ब्रियाटिक सर्जरी है, मोटे बंदों को पतला करना, जितना मर्जी आप जोर लगा लें, सालन आपकी मर्जी का पका हुआ है, बाकी चीज़ें आपने चार रोटियाँ खा जानी हैं, तो वो ब्रियाटिक सर्जरी में भी स्टमक छोटा कर देते हैं, कुछ बाईपास प्रोसीजर्स हैं, उससे क्या होता है कि आप तो खाया ही नहीं जाता, स्टमक छोटी हो जाती है, तो वैसे ही थोड़ा सा दो वो आप घूंट लेते हैं तो पेट भर जाता है, तो वो उससे डायबिटीज़ वगैरह और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, जॉइंट्स की पेन कम हो जाती है। मैंने जैसे शुरू में भी बात की और मेरे ख्याल से ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट होगा कि लोकल एनेस्थीसिया के जरिए आजकल हम देखते हैं कि गायनी के जो पेशेंट्स होते हैं खासतौर पर इसी सेक्शन के लिए तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप मतलब जनरल सर्जरी भी इसी से करते हैं? ना वो स्पाइनल एनेस्थीसिया, अच्छा स्पाइनल इज रीजनल, अच्छा आप बातें कर रहे हैं मतलब आप कंफर्टेबल हैं लेकिन आपका नीचे वाला हिस्सा सुन कर दिया गया, ऑपरेट हो गया। लोकल एनेस्थीसिया में ये होता है कि जैसा यहाँ एक छोटा सा फैट का एक लाइपोमा है, यहाँ इंसिजन दिया, लोकल लगाया, कट करके निकाल दिया, हर्निया का ऑपरेशन है वो हमने सुन किया, ऑपरेट कर दिया। तो मैं रूटीन के ऑपरेशन तो करते ही करता हूँ लोकल में, सो आई ऑल्सो डिड थायराइड्स इन लोकल एनेस्थीसिया, जिसमें हमने गले को सुन किया, क्योंकि डीप नहीं है ना, एब्डोमिनल इंटर एब्डोमिनल सर्जरीज भी हम करते हैं कुछ लोकल एनेस्थीसिया में, लेकिन ये थायराइड की सर्जरी जो थी ये एक चैलेंज था। लेकिन सर पेशेंट जो है वो किसी भी वक्त अगर थोड़ा सा घबरा जाए और हिलना शुरू कर दे या डिस्टर्ब करे आपको तो फिर ये पेशेंट्स को आप मैं तो इसमें रिकमेंड करता हूँ कि डीप सेडेशन हम नहीं देते, ठीक है, उससे पहले आप पेशेंट जी काउंसलिंग भी की होती है, पेशेंट बताता है अगर पेन हो रही है तो एनेस्थीसिस्ट उसे मॉनिटर कर रहा होता है, मॉनिटरिंग इज मेंटेन्ड हो रही होती है, उसी तरह वो एनेस्थीसिस्ट उसे किसी वक्त भी एनेस्थीसिया दे सकता है। इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं, और इसमें फायदा क्या होता है कि ऑपरेशन करवा के ऑपरेशन के फौरन बाद वो खा पी भी सकता है, बैठ भी सकता है, और बाद ऑपरेशन में वो जा भी सकता है। हम अपने नाज़रीन के साथ ये भी शेयर करना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब में एक जज्बा है खिदमत खल्क करने का, बहुत सारे ऑपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं कि किसी तरह इंसानियत की मदद की जाए और उनको सुकून प्रोवाइड किया जाए। जी जी वो मैंने डेवलप किया हुआ है, जहाँ हम पेशेंट्स को जो अफोर्ड नहीं करते उनको हम ऑपरेट भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसमें उस वहाँ एजुकेशन पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि आपका वो जिस तरह मैं देख रहा था वो पहाड़ों का सारा वो सतपारा लेक और ये वो, तो पिछले हफ्ते वी वर इन स्कर्दू, स्कर्दू में हम फॉर द लास्ट अराउंड 17-18 ईयर्स वी आर डूइंग लॉट ऑफ सर्जिकल कैंप्स, जिसमें हमारे सर्जरी के डॉक्टर, गायनी के डॉक्टर, यूरोलॉजी के डॉक्टर्स, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के जाते हैं, और मैं भी वहाँ जाके वी डू एक कैंप में अराउंड अबाउट 80-120 ऑपरेशन हम करते हैं बाज़ दफ़ा। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि वकेशन पर जाना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है? ये ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खुदा ने नींद क्यों बनाई कि जी सोया जाए और एकदम आप फ्रेश हो जाते हैं। सिमिलरली डे टू डे वर्क जो है उससे निकल के, और किसी भी तरीके ज़रूरी नहीं है कि जी आप पहाड़ों पे जाएं या ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा है, आप किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। आजकल तो लोग जाना ही बंद कर गए हैं ना, गांव चले जाएं, वहाँ जाके 2-4 दिन रहें, 6 दिन रहें, स्ट्रेस को कम करें,
और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं। बीमारियों से जो जंग है ना, और हालात से जंग जो है, वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने से कर सकते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है खिदमत खल्क। और उस खिदमत खल्क में जो पहला बंदा जिसकी आपने खिदमत करनी है, आपके माँ बाप हैं, आपके हमसाए हैं, हमसायों को भूल जाते हैं। कोई उनके घर की चीज़ गिर गई आपकी तो आप लड़ने शुरू कर देते हैं। तो सब कीप इट सिंपल। उनके बड़े हुकूक हैं, हुकूक हैं कि मतलब अगर उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो खुश हो जाएं, क्योंकि अजर खुदा का बड़ा अजर है उसको उसको मतलब टॉलरेट करने का। तो इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएं तो आप बीमारियां आपके नज़दीक नहीं आएंगी, परेशानियां आपके नज़दीक नहीं आएंगी। एनजाइटी, जिस तरह हम बात कर रहे थे प्लास्टिक सर्जरी की, कि जी वो अजीब व गरीब बंदा गुस्से में जिस तरह हो जाता है, तो जितना आप रिलैक्स रहना शुरू करें उतना आप फ्रेश रहेंगे, उतना आप यंग रहेंगे, उतना चीज़ों से जो है आपको मतलब ये है कि बेहतर होंगे, हेल्थ आपकी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें की हैं और जी चाह रहा था कि आपसे मज़ीद बात करें, लेकिन टाइम की कमी है। आएंगे फर्दर चैनल्स पे इंशाल्लाह ताला, और हेल्थ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे अक्टूबर आ रहा है उसमें हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करेंगे, ज़रूर बुलाइएगा मुझे। बिल्कुल ऐसा ही, और ये भी खिदमत खल्क है। हमारी कोशिश यही कि हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने डॉक्टर साहब ने आज बताया है कि बर्न अगर हो जाता है तो फौरी तौर पर किस तरह उससे बचा जा सकता है, पानी डालें, आप ये मिथ्स जो है इनको भुलाएं, और अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई बाइक से गिरता है, तो उसको वॉश करें। और इसके साथ साथ बिल्कुल इसके साथ साथ पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाइए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कीजिए। आगे चलते हैं, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, पर आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। Experience the captivating peaks, misty clouds, sparkling streams, mesmerizing landscapes, land of pure, a land of happiness and hospitality, a land ready to be explored. Experience it all with Discover Pakistan. चला है ये काफला, दिखाएगा पाकिस्तान प्यारा, होगा लाहौर से नाश्ता, बरास्ता इस्लामाबाद, घुमाएगा नारान कागान, गिलगित बल्तिस्तान सारा, भोजन बनेगी कराची की हलीम और निहारी, वाह सिंधी कल्चर तेरी तो बात है निराली, होगी बलोची सज्जी और रोश से मेजबानी, करेंगे गवादर की सैर, सुनाएंगे बलोच की तारीखी कहानी, खैबर पख्तूनख्वा है जरा संभल के भाई, जिसके चरसी तिक्के और दुम्बा कड़ाही ने पूरी दुनिया पे है धाक बिठाई, सकाफत और रिवायात में बेमिसाल है हमारे पठान भाई, क्या वक्त के बदलाव से उनके रस्म और रिवाज में कोई तब्दीली आई, खोजेंगे हम देखेंगे आप, ये है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और आगे चलते हैं और शामिल करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट गॉट टैलेंट। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के ऐसे उभरते हुए टैलेंट के साथ जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा टैलेंट है, कोई भी आप फील्ड उठा लें आपको पाकिस्तान के टैलेंटेड नौजवान वहाँ पर नज़र आएंगे। और अगर बात की जाए म्यूज़िक की, तो पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ म्यूजिशंस,
इतने खूबसूरत गुलूकार, इतनी खूबसूरत आवाज़ें जो कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का, अपनी मौसीकी का जादू जगा चुकी हैं, इस ज़मीन से उठी हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही टैलेंटेड नौजवान हैं, सिंगर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गाने गाते हैं, सूफ़ी म्यूज़िक भी प्रैक्टिस करते हैं और आजकल का जो नया म्यूज़िक है उसके हवाले से भी अपना उनके गाने जो हैं वो आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आसिफ़ अली हाशमी। आसिफ़ अली हाशमी, आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपसे पहला सवाल यही जानना चाहूँगी, बचपन से आपको गाने का शौक़ था लेकिन वो जो सही से प्रैक्टिस करना होता है, सीखना होता है, वो कब से कर रहे हैं? जी मैं बेसिकली अपनी वालदा को देखता था, सुनता था, वो नात बहुत अच्छी पढ़ती थी। अच्छा। तो मुझे उनको मैंने देखा, शुरू से मैं उनको फॉलो करता था, वो हर जगह नात पढ़ती थी। माशाल्लाह फैमिली में जैसे जानते हैं लोग कि यार ये बंदा अच्छी नात पढ़ता है, अच्छा गाना गा लेता है, तो वालदा को भी ऐसे समझा जाता था कि यार ये अच्छी नात पढ़ती हैं। तो जब वो पढ़ती थी फैमिली में या किसी कोई महफिल पे, कोई मिलाद, तो मैं उनको फॉलो करता था कि मेरी वालदा इतना अच्छा नात पढ़ती हैं। तो मैंने एक बार, मुझे तजस्सुस आया, मुझे एक फ़ील आया कि यार मैं भी ये कर सकता हूँ, मेरी वालदा करती हैं। तो मैंने अपनी वालदा को चुपके से डरते हुए मैंने ना एक नात सुनाई उन्हें, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा बेटा आप नात पढ़ा करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मेरी वालदा ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो करते करते मैं स्कूल में जाता था, तो बज़्मे अदम होता था स्कूलों में अक्सर, तो वहाँ पे हिस्सा लिया जाता था, मुझे फर्स्ट पोजिशन दी जाती थी, तो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। तो करते करते मुझे अच्छा फील हुआ, मैंने कहा मैं गाना भी गा सकता हूँ, मैंने गाना शुरू किया, तो गाना शुरू किया। फिर मुझे फिर फील आया कि यार रिदम के साथ मैं, क्योंकि मैं बेसिकली खान साहब घराने से हूँ, पटियाला वाले जो हैं, पटियाला घराने वाले, वो मेरे ननिहाल हैं, मेरी वालदा उनकी बेटी हैं। अच्छा, वाह। तो मैं उनसे हूँ, तो आपको पता है कि हमारे जो ननिहाल वाले, उनका एक नाम है, बच्चा गए या ना गए सीखता ज़रूर है। तो मुझे अल्लाह ने करम किया, रिदम के साथ शुरू किया, तो फिर गाना रिकॉर्ड करवाया। मुझे बहुत शौक़ था, वालदा से, वाला साहब से पॉकेट मनी ली जाती थी, तो वो पॉकेट मनी मैं सेल्फ टॉट था, सेल्फ प्रैक्टिस थी, या फिर बाकायदा तौर पर आपने किसी की शागिर्दी इख्तियार की? सर, रियाज शागिर्द के? किसी का नहीं हूँ, मैं अपनी वालदा को, मैं बेसिकली अपनी वालदा का शागिर्द था गाने में। और जो म्यूजिक कंपोजिशंस वगैरह हैं वो करना, वो मेरे टीचर हैं, उस्ताद कामरान अख्तर साहब उनका नाम है, गिटारिस्ट हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे, वो मेरे ननिहाल में भी आते हैं और मेरे टीचर भी हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो ये नात से और हम्द पढ़ने से जो सफ़र शुरू हुआ, अब ये कहाँ तक पहुँच चुका है? सर ये यहाँ तक क्या कि अभी रिसेंटली आप देखते होंगे ड्रामा एनक वाला, जिन एक ड्रामा चलता था जी, अब उसका सीजन 2 लॉन्च हुआ है, तो उसका ओएसटी सर मैंने किया है। अच्छा। लो देखो आ गया है वो। उसके बाद मैंने एक गाना वंजरी रैकेट से किया, जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री है सिखों की, वहाँ से एक गाना वंजरी रैकेट से मैंने, जसपाल सूद साहब ने मुझे स्पॉन्सर किया वो गाना, वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद सर बॉलीवुड का एक गाना कर रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल बैन है, मैं हूँ, सिंगर दीबा किरण है, खान साहब का गाना उसमें, किस्मत फिल्म है जो भी लॉन्च होगी। अच्छा, आपने जो शुरू में बताया कि नाते और हम्द से शुरू किया, तो कोई हम्द का या नातिया कलाम जो है वो भी हमारे नाज़रीन के लिए? सर बेसिकली मैंने हम्द की आपने बात की, तो मैं आपको बताना भूल गया कि हम्द भी मैंने एक अपनी, वो भी मेरी लॉन्च हो चुकी अच्छा, है, तो वो भी मैं आपको उसके एक दो इशार जो हम सुना देता हूँ। जरूर जरूर। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वग जेक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जादा मेरा कर दे खतामा सब माफ मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरे अल्लाह। बहुत खूब, बहुत ही खूब।
बहुत खूबसूरत आवाज़ है, जैसे कि सलमान ने पहले भी कहा, और आपसे जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग आपको सुनते हैं, वो डेफिनेटली इस बात पर यकीन रखते होंगे। अच्छा, मुझे इस हवाले से बताइएगा, जब भी हम सिंगिंग की बात करते हैं तो आजकल बहुत रैप स्टाइल भी आ रहा है, जैज़ भी है, हिप हॉप भी है, तो क्या उनमें से भी आप कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं? नहीं, मैं तो बेसिकली, मैं अब हैरान होंगी, मैं इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मैं अपने, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं खान साहब घराने से हूँ, तो हम लोग इस चीज़ को लाइक ही नहीं करते। आजकल जो बेसिकली ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, जो आप बता रहे हैं, सुना ही ये जा रहा है, क्योंकि पब्लिक उस तरह की है, लोग उस तरह के आ गए हैं। आजकल के जो लोग हैं, आप बच्चे भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, वो वैसी चीज़ें जैसे कि क्लासिकल है, कुछ सरगम पलटा, वो उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। तो जो आजकल जो चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन अब फ्यूजन भी आ रहा है, और आप जैसे लोग जो हैं क्लासिकल और सूफी म्यूज़िक को फ्यूजन कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने आ रही। मुझे ये बताइएगा, जो भी आपने हम पढ़ी, ये आप खुद ही अपनी, मतलब हम या जो सॉन्ग्स हैं वो खुद ही लिखते हैं? ये बेसिकली मैंने खुद लिखी है और ख़ुद कंपोज की है, और इसका म्यूज़िक जो अरेंज करवाया है मेरे भाई हैं, अली अमजद खान, मैंने उनसे, बेसिकली वो प्रोग्रामर हैं, मैंने उनको, खुद मैंने इसका अरेंज किया है, और इसका, इसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी है, लिरिक्स भी मेरे अपने हैं। अच्छा, आप पटियाला घराने से, आपने बताया कि आपका ताल्लुक है, आपका ननियाल है, और पटियाला घराने की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उस्ताद अमानत अली खान जो हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत तमिली नगमे गाए, और आज़ादी का महीना है, तो कोई खूबसूरत सा मिली नगमा हमारे देखने वालों को? जी, जैसे कि आपने उनका जिक्र किया, वो हमारे बड़े हैं, बड़े मोहतबर हैं, हमारे लेजेंड है पाकिस्तान के, माशाल्लाह बहुत अच्छे। तो उन्हीं का एक तराना उन्होंने गाया हुआ है, ऐ वतन प्यारे वतन, मैं आपको वो जी सुनाता हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। बहुत खूबसूरत, आसिफ, आसिफ अली हाशमी, और आपने जिस तरीके से, अब आपकी आवाज़ में जो सोज है, पता चलता है कि एक ट्रेडिशन को आप फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ है। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे गाने, मिली नगमे जो हैं वो गाते रहें, और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें। नाइस टू हैव यू हियर। आगे चलते हैं, अभी वक्त हुआ है एक और सेगमेंट का, हमारे लास्ट सेगमेंट का, जो कि है टुडेज चैलेंज। आज का टुडेज चैलेंज बहुत अहम है, जो हम लोग तो एक्सेप्ट करेंगे, आप लोगों ने भी साथ ही साथ इसको ज़रूर एक्सेप्ट करना है, और इसको अपनी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा बनाना है। वो ये है, नजफ़, आजकल देखने में आता है कि लोग सेल्फ़ी लेते हैं या वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। छोटी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी चीज़ है, और वो ये है कि आप सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, और बहुत से लोग जो है वो अपनी जान भी खो देते हैं सेल्फ़ी और एक अच्छी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आपको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, चाहे आप किसी भी जगह पर, किसी खूबसूरत मकाम पे, किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं, या आप रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द लोग जो है आमतौर पे जब सेल्फी या वीडियो बना रहे होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि वो किस खतरनाक रेड लाइन जो होती है उसको क्रॉस कर चुके होते हैं, जिससे उनकी जान भी जा सके। क्योंकि सलमान, जब हम वेकेशन के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और इतने खूबसूरत मकाम देख के पाकिस्तान में, तो कभी कभी इंसान एक्साइटेड हो जाता है, और हम उस सीन को और उस खूबसूरत मंजर को कैच करने के चक्कर में अपनी सेफ्टी भूल जाते हैं, सही जगह का इंतखाब नहीं कर पाते कि कहाँ पर हमें सेल्फी लेनी है और कहाँ पर हमें वीडियो बनानी और कहाँ नहीं बनानी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, ज़रूर इंजॉय कीजिए, उस जगह से लुत्फ अंदोज हुई, घर वालों के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन इस चीज़ का भी ख्याल रखिए कि जान है तो जहान है, ख़ुद की सेफ्टी, खुद की प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ख़ास है, हमें मालूम होता है कि आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं।
इसके साथ ही साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पर आप अपनी सजेशंस और फीडबैक हमें दे सकते हैं और आप हमारा जो चैलेंज एक्सेप्ट करें उसके हवाले से वीडियो बनाकर भी हमें सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेजेस हैं @themorningshowhd के नाम से, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं @themorningshowhd पर। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नजफ राजा और सलमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।